बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिले औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल रास और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, शहरे अमरोहा को अपनी इल्मी अदबी खिदमात की बिना पर बर्रे सगीर में एक खास अहमियत हासिल रही है, तो वहीं रूहानियत के हवाले से भी इस शहर की अपनी एक पहचान है। इस सरजमीन को अनगिनत उलमा, फजला, सूफिया, बुजुर्गाने दीन ने अपना मस्कन बनाया और इरशादो तलकीन से हर जमाने में यहाँ एक हंगामा गर्म रखा। इन्हीं बुजुर्गों में से एक मुमताज शख्सियत हजरत मखदूम शाह अब्बन बद्रे चिश्त की है, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, यकीनन ऐसे कामिलुल हाल बुजुर्गों और खुदा के मुकर्रब बंदों का जिक्र रूह में ताजगी पैदा कर देता है। हजरत सैयद मखदूम शाह अब्बन बद्रे चिश्ती का पूरा नाम सैयद अब्दुल्ला उर्फ अब्बन और कुन्नियत अबुल फतेह है। कुतुब तारीख में आपका जिक्र शाह अब्बन के नाम से किया गया है, इसलिए आप इसी उर्फियत से ज्यादा मशहूर हुए। आपको आपके पीर मुर्शिद की बारगाह से बद्रे चिश्तिया का इजाजी लकब हासिल हुआ, जो आपके नाम का हिस्सा बन गया, बल्कि असल नाम से ज्यादा मशहूर हुआ। इस तरह आपका पूरा नाम मखदूम सैयद अब्बन बद्रे चिश्ती हुआ। आप रिजवी सादात से हैं। आपका सिलसिले नसब सैयदना इमाम अली मूसा रजा रदी अल्लाह अन्हु से मुत्तसिल होता है। आपके आबाओ अजदाद में इब्तिदा से ही रूहानियत व विलायत का सिलसिला कायम था। आपके वालिद का नाम सैयद अहमद गंज रवा था, जो अपने वक्त के अकाबिर उलमा और औलिया में शुमार होते थे। आप साहिब निस्बतो इरशाद और वलिये कामिल थे। आपकी विलादत तकरीबन 847 हिजरी के आसपास हुई। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिदे माजिद से हासिल की। जमाने तिफली से ही जज्बे इलाहिया के आसार आपके आमालो अफआल से जाहिर थे और एक जज्ब की सी कैफियत अक्सर आप पर तारी रहती। इसके बावजूद शरीयत के अरकान की पाबंदी और बजा आवरी में आपको कम उम्र से ही बेहद शौक था। आपने 9 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अरबी, फारसी अदबियात और दीगर उलूम में महारत हासिल कर ली। इसके बाद मुल्तान और लाहौर में तहसील उलूम की और फिर दिल्ली आकर सैयद इब्राहिम मीरजी से कुतुब अहदीस व तसव्वुफ की तकमील की। वालिद माजिद के वफात के बाद आप उनकी जगह उलूमे दीनिया के दर्स में मशगूल हो गए और 7 साल ये खिदमत अंजाम दी। आपकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो आपको वो मौका हासिल हुआ कि आप खालिसतन तलाश हक के लिए खुद को वक्फ कर सकें। चुनांचे आप तमाम मालो असबाब को तकसीम करके हज के इरादे से और मुर्शिद कामिल को तलाश करने के लिए हिजाज मुकद्दस की जानिब रवाना हुए। वहाँ आपकी मुलाकात एक मजजू बुजुर्ग शेख अहमद से हुई, जिनकी सोबत में कुछ अरसा रहकर आपने फैज हासिल किया। दौरान कयाम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। सरकार मदीना ने आपसे फरमाया कि तुम्हारा हज हो गया, लिहाजा अब दिल्ली की तरफ वापस जाओ। सुबह बेदार हुए तो हजरत शेख अहमद ने भी आपसे फरमाया कि आपके पीर मुर्शिद दिल्ली में है। आपने दिल्ली का रुख किया। सफर के दौरान आप जिस जगह ठहरते वहां आप शेख अहमद नाम के एक बुजुर्ग को अपना मुंतजिर और कफील पाते। चुनांचे दिल्ली में भी शेख अहमद नाम के एक बुजुर्ग आपको मिले, जिन्होंने आपको फरीद सानी हजरत मखदूम अलाउद्दीन जिंदा पीर चिश्ती की खिदमत में भेजा। हजरत मखदूम अलाउद्दीन हजरत बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमा की नस्ल से थे और उन्हीं की रूहानियत से मुस्तफीज थे। आप अपने वक्त के वलिये कामिल और बड़े माने हुए मशाइख में शुमार होते थे। आप अपने कमालात करामात की बदौलत मौजे दरिया और जिंदा पीर के अलकाब से मशहूर थे। हजरत मखदूम बद्र चिश्त जब हजरत जिंदा पीर की खिदमत में हाजिर हुए तो वो मुस्कुराए और उठकर आपको गले से लगा लिया और पहली ही मुलाकात में आपको बेअत फरमाकर खास अजकार की तालीम दी। हजरत जिंदा पीर के एक खलीफा हजरत सैयद सुल्तान बहराइची के दिल में ख्याल आया कि पीरो मुर्शिद ने जिसको भी बेअत फरमाया तो पहले उसे इस्तिखारे का हुक्म दिया, लेकिन इनको बिना इस्तिखारे के बेअत फरमा लिया। हजरत अलाउद्दीन जिंदा पीर ने फौरन उनसे फरमाया
कि ये इस्तखारे से फारिग होकर आए हैं, बल्कि खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं। कुछ मुद्दत तक हजरत बदरे चिश्ती ने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में रहकर सुलूक व मारिफत के मदारिज तय किए। पीर मुर्शिद ने आपको बदरे चिश्तिया का इजाजी लकब अता फरमाया, फिर खिरकाए खिलाफत देकर अपनी दस्तार आपके सर पर बांधी और आगरा जाने का हुक्म दिया। हजरत सैयद सुल्तान बहराइची के दिल में फिर ख्याल आया कि पीर मुर्शिद की जैसी इनायत इन पर है और किसी पर इतनी नहीं। इस ख्याल के आते ही हजरत जिंदा पीर ने उनकी जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया कि ये दर्जात कमालात सुलूक हासिल करके आए थे और जिनके भेजे हुए थे उन्हीं के हुक्म से जाते हैं, मेरे और इनके इख्तियार में कुछ दखल नहीं। हजरत मखदूम बदर चिश्त दिल्ली से आगरा पहुंचे। यहां आकर कुछ दिन बाद आप बीमार हो गए। उस वक्त आगरा में एक मजजूब सैयद अलाउद्दीन, जो शेख अलावल बिलावल के लकब से मशहूर थे, वो आगरा के साहिब विलायत थे। हजरत मखदूम बदर चिश्त उनकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि गम न कर, सेहत हो जाएगी। उसके बाद आपको अमरोहा जाने और वहां सिलसिले बैत जारी करने की हिदायत फरमाई और अपना कंबल देकर फरमाया, अमरोहा जाकर इस पर बैठो, जो कुछ तुम्हारी जुबान पर आएगा वैसा ही हो जाएगा। हजरत बदर चिश्ती ने उस कंबल को अपने सर पर रखा और अमरोहा की जानिब रवाना हुए। अमरोहा पहुंचकर आपने वहां अपनी खानकाह कायम की और वहां से खलकत की रुशदो हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया। इस खानकाह में हजरत मखदूम का दर्स जारी हुआ और यहां से मारिफत के लातादाद तिश्नागान सैराब होकर निकले। अहदे अकबरी के मशहूर मुअर्रिख मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी भी इसी खानकाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप कलाम पाक की एक आयत बयान कर रहे थे। आपने उस वक्त आयत की तशरीह करते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर की तरफ खास तवज्जो करते हुए सब्र करने वालों के अजर की फजीलत बयान की। बाद में घर जाने पर मुल्ला अब्दुल कादिर को पता चला कि दौरान सफर घर पर उनकी चहीती बेटी का इंतकाल हो गया था। यह तसल्ली आमेज और सब्र की तलकीन करने वाले अल्फाज उन्हीं के लिए बयान किए थे। कुरान की तफसीर में आपको खास शगफ था। मौलाना अब्दुल हलीम नाम के एक बुजुर्ग को चंद फलसफियाना शुबहात थे। वो कहते हैं कि मैं जुमे की नमाज में मस्जिद में दाखिल हुआ, आप उस वक्त तकरीर फरमा रहे थे। आपने उस वक्त आया करीमा वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो की ऐसी तफसीर फरमाई कि मेरे तमाम शुबहात दूर हो गए और अहले इल्म इस तफसीर को सुनकर हैरान रह गए। आपसे बेशुमार कशफो करामत जाहिर हुए। बावजूद हालत जज्ब के आप शरीयत के हुक्म को कभी ना तोड़ते थे। औरतों को बगैर हाथ थामे मुरीद करते थे। आप पंच वक्ता नमाजों के साथ तहज्जुद के भी इस कदर पाबंद थे कि जिस रोज आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ उस रोज तदफीन से फारिग होकर आपने फरमाया कि 9 साल की उम्र से वालिद साहब ने मुझे तहज्जुद शुरू कराई थी, उस दिन से लेकर सिर्फ आज कजा हुई है। एक बार एक हिंदू जोगी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और सोने की 2 ईंटें आपको पेश की। आपने लापरवाही से फरमाया कि हुजरे में रख दो। वो ईंटें लेकर हुजरे में दाखिल हुआ तो देखा कि हुजरे में चारों तरफ हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं और कहीं भी वो ईंटें रखने की जगह नहीं है। वो शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर आ बैठा। फिर उसके बाद एक नारियल उसने आपकी खिदमत में पेश किया। आपने पूछा ये क्या है? उसने कहा कि ये इक्सीरे कीमिया है, इसकी एक चुटकी तांबे पर डाल दी जाए तो वो फौरन सोना बन जाएगा। आपने फरमाया कि ये इक्सीर तो हमारे पास भी है। ये फरमाकर आपने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तांबे के बर्तन में डाल दिया तो वह तमाम बर्तन सोने का हो गया। आपकी ये करामत देखकर वो जोगी हैरान रह गया और आपके कदमों पे गिर गया, कहने लगा कि मैंने अपनी उम्र बेकार जाय की। उसके बाद आपके हाथ पर वो इस्लाम ले आया। इसी तरह आपके एक अकीदतमंद का जहाज भंवर में फंस गया। उन्होंने आपसे दस्तगीरी चाही तो आपने उनकी मदद फरमाई। और एक बार आपके एक मुरीद को जंगल में शेर मिल गया। आपको याद करने पर आपने दूर से ही उनकी मदद फरमाई और शेर भाग गया। इस तरह आपसे बहुत सी करामात जाहिर हुई जिनकी तफसील आपके हालात पर लिखी किताब तस्किरा बदर चिश्त में देखी जा सकती है। आपने 4 निकाह किए जिससे आपके 8 बेटे हुए।
जो अपने वालिद की तरह ही रूहानियत के बुलंद मरातिब पर फाइज थे। आपके सबसे बड़े साहिबजादे को छोड़कर आपके बाकी तमाम साहिबजादों की औलाद अमरोहा में ही रही और उनमें बड़े बड़े मशाहिर उलमा, फुजला, सूफिया और अकाबिर पैदा हुए, जिनसे अमरोहा में इस खानवादे की इल्मी और मजहबी अजमत कायम रही। आपके तीसरे साहिबजादे हजरत सैयद शाह नूरुद्दीन अपने तबाहुरे इल्मी और खसूसियात बातिनी की बदौलत हजरत मखदूम बदरे चिश्ती के साहिब सज्जादा करार पाए। आपके बाद मसनद सज्जादगी का सिलसिला आपकी नस्ल में ही चलता रहा। आपके बेशुमार मुरीद और कसीर खुलफा थे। आपके तमाम खुलफा में हजरत शेख आलम किरमानी खास दर्जा रखते थे, जिन्होंने आपके मलफूजात भी जमा किए थे। आप संबल के शाही विलायत और बुलंद पाया औलिया अल्लाह में से थे। आपका मजार शरीफ शहर संबल में है। आपके दूसरे खलीफा हजरत शाहदाना वली अलैहि रहमा हैं। आप शहर बरेली के कुतुब हैं। आपने अरसे तक हजरत बदरे चिश्ती की खिदमत में रहकर कमालात रूहानी हासिल किए। बरेली के जिस खित्ते में आपका मजार है वो मोहल्ला शाहदाना आपके नाम से ही मनसूब है। वहीं आपका मजार फैज़ो रूहानियत का सरचश्मा है, जहां आज भी कसीर तादाद में लोग हाजिर होकर आपके बातिनी फ्यूज से मालामाल होते हैं। आपके तीसरे खलीफा हजरत शाह बरखुरदार रामपुरी शाह विलायत रामपुर है। आपका मजार शहर रामपुर में शहर की आबादी से बाहर एक वसी दरगाह में है। हाजरीन कसरत से आपके मजार की जियारत करके आपसे फैज़ो बरकत हासिल करते हैं। आपके चौथे खलीफा हजरत शेख मोहम्मद शाह विलायत बंगाला हैं। बाकी खुलफा का हाल तहकीक नहीं हुआ। हजरत बदरे चिश्तिया का विसाल 5 ज़िलक़ादा 987 हिजरी मुताबिक 1579 ईस्वी को अमरोहा में हुआ। शहर अमरोहा की आबादी से जानिब जुनूब तालाब किनारे आपको दफन किया गया, जहां अब एक बुलंद चबूतरे पर खूबसूरत सब्ज गुंबद के नीचे आपका मजार शरीफ मरजाए खलाइक है। बाद विसाल भी आपका रूहानी फैज जारी है, जिसका मुशाहिदा अक्सर अहले दिल हजरात कर चुके हैं। हर साल आपका उर्स 10 जिलहिज्जा से 15 जिलहिज्जा तक आला पैमाने पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बेशुमार लोग हाजिर होकर अपनी अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अहले अकीदत में शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक करके अपने अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकअल्लाह।